चक्कर आना या सर का घूमना ये कई बार बहुत कॉमन देखा गया है। अगर आप वीक हैं और बहुत ज्यादा या तो ब्लड की कमी हो गई है या न्यूट्रिशन की कमी हो गई है तो चक्कर आना एक बहुत ही बेसिक सिम्टम आपको मिल जाता है। बट आप कई रूप से तंदुरुस्त हैं, कहीं भी किसी चीज की डिफिशियंसी नहीं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी नॉर्मल है, आप खाना पीना फल फ्रूट भी अच्छे से खाते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे अडल्ट्स में और अगर स्पेशली देखें तो 50-55 की एज के आसपास के जो एजेड लोग हैं उनमें आप देखेंगे चक्कर आने की समस्या डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे कुछ समय के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें सर्वाइकल की दिक्कत है या और आसान भाषा में बोले तो सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस हम लोग बोलते हैं। दोस्तों ये एक टर्म है जहां पर हमारी ये जो हड्डियां हैं पीछे की पूरी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है एक अलाइनमेंट होता है, एक पॉस्चर होता है हमारी हड्डियों का। मैं एक फोटो आपको दिखा पा रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। दोस्तों ये जो सर्वाइकल वाला एरिया है इन हड्डियों को हम लोग सर्विकल वर्टिब्री बोलते हैं। इनके बीच से होते हुए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नसें जो होती है जो दिमाग से होती है वो निकलती है और हमारे हाथ पैर और चेस्ट और बैक वाले एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कई बार जब यहाँ पर आप सर्वाइकल वाले एरिया में इन नसों का कॉम्प्रेशन देखेंगे या सर्वाइकल की हड्डियों में ग्रोथ हो जाएगी या डीजेनरेशन हो जाएगा, इन सारी ही कंडीशन में पेशेंट को गर्दन में दर्द और अन्य कुछ लक्षण आते हैं जिनमें बहुत ही विशेष लक्षण बनता है चक्कर आना। यहां तक कि पेशेंट को लेटते समय या लेटे हुए पेशेंट को भी चक्कर महसूस होता है। तो सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस की जो बेस्ट पेटेंट दवा है उसकी तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, पर मेनली ये वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी बेस्ट 2 से 3 दवाएं हैं जो कि आपको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस की चक्कर के केस में बहुत मददगार साबित हो सकती है और बिना एलोपैथिक दवा के आपको चक्करों से निजात मिल जाएगी। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो फैमिली से जुड़ जाए, सब्सक्रिप्शन बटन दबा दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे कि जब भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस तरह के आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। तो दोस्तों सर्वाइकल में शॉर्ट में फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये जो हड्डियां हमारी यहाँ से हमारी नसें पास आउट होती हैं, अगर किसी कारणवश इन नसों में कॉम्प्रेशन पैदा होता है या ये खुद डीजेनरेट होने लगती हैं या हड्डियां डीजेनरेट होने लगेंगी तो वहां पर सूजन आएगी जिसके कारण आपकी गर्दन में दर्द तो रहेगा ही रहेगा और ये दर्द कई बार रिफ्लेक्ट होकर आपके हाथ और पीछे तक आता है, कई बार हाथों की उंगलियों में चुनचुनाहट और झुनझुनाहट भी आपको महसूस होती है और एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है पेशेंट को चक्कर आना। कई पेशेंट को उल्टी या नौसिया जैसा भी लगता है, उबकाई भी आती है। तो दोस्तों 3 बेस्ट मेडिसिन जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली मेडिसिन अगर आपकी हड्डी में ग्रोथ आपको मिल गई है या आपकी डिस्क बल्ज आउट हो गई है, डिस्क बाहर आ रही है और ये एक्सरे में या सिटी स्कैन वगैरह में आप देख पाएंगे या डॉक्टर आपको बताएगा, और ऐसी कंडीशन में आप चाहें तो कोनियम एक्यूलेटम 1 एम्पोटेंसी में सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार लेकर पहले से दूसरे ही दिन में जब आप सेवन करेंगे आपको अपने चक्कर में बहुत इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। सिर्फ 1 से 2 खुराक इस दवा की आपको लेनी है 1 एम्पोटेंसी में और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके चक्कर जो है काफी आपको आराम दे देंगे। इसी तरह अगर दोस्तों आपकी हड्डियों में डीजेनरेशन हो रहा है या नसों में डीजेनरेशन चेंजेस आ रहे हैं, डीजेनरेटिव चेंज हो रहे हैं, तो वहां पर आपको थीरिडियोन नामक दवा आती है 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लगातार इसका सेवन कुछ दिन करना है, 2 से 3 ड्रॉप सीधे जबान पर लेना है। आप देखेंगे ऐसी अवस्था में जहां पर डीजेनरेटिव चेंजेस हड्डी या नसों में नर्व्स में हो रखी है वहां पर आपके जो चक्कर आ रहे हैं स्पॉन्डिलोसिस के केस में थ्रीडियोन अकेले ही कवर अप कर देगा। एक ऐसा पेशेंट जो कि ओवरऑल जनरलाइज्ड वीक है या अगर वो वीक नहीं भी है, उसकी कंप्लेन ये है कि मेरे गर्दन में जब जब दर्द होता है या दर्द नहीं भी है बहुत माइन्यूट सा दर्द है, मुझे ओवरऑल चक्कर तो आता ही आता है, हाथ पैर में कपकपाहट भी रहती है। दोस्तों डिजीनेस ड्राउजीनेस और डलनेस, कमजोरी महसूस करना, चक्कर आना और थोड़ी सी घबराहट होना जेलसीमियम का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है और इस दवा को आप सेवन करके अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम को अगर आप ओवरऑल घबराहट और चक्कर या हाथ पैर में कपकपी महसूस कर रहे हैं तो 30 पोटेंसी में जेलसीमियम लेकर अपने चक्कर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। तो 3 मेडिसिन आपको याद रखनी बेस्ट, कोनियम, दूसरा थ्रीडियोन, तीसरा जेलसीमियम, इन तीनों में ही मैक्सिमम आप देखेंगे मरीजों को चक्कर में बहुत अच्छा रिलैक्स मिल जाएगा। अब आ जाते हैं बेसिक हम अपने ऐसे फॉर्मूले पे जो कि आपको मैक्सिमम केस चाहे गर्दन का दर्द हो चक्कर हो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों ये स्पॉन्डिन नाम की दवा है,
जो कि मार्केट में काफी ज्यादा बिकती है, और साथ ही साथ ही मैकफॉस जर्मन कंपनी की 6x पोटेंसी और ये एसिड फॉस मदर टिंचर। दोस्तों ये तीन दवाएं हैं जो आपको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस में अपने पास जरूर रखनी चाहिए। स्पॉन्डिन 20 बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े से गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। 5-10 मिनट के अंतराल पे एसिड फॉस जो मदर टिंचर है, इस तरह की बोतल, छोटी बोतल आप खरीद लें 20 बूंद सुबह दोपहर शाम, उसका भी सेवन करें। इसमें जो विशेष है एसिड फॉस में दोस्तों, टियरिंग पेन ऐसा लगेगा कि फट सा रहा है, ये पेन अगर आपको हो रहा है, और ओवरऑल वीकनेस को भी एसिड फॉस बहुत अच्छा कवर अप करता है। और ये मैकफॉस दोस्तों 6x पोटेंसी में गर्म पानी में आपको लेना है, 3 गोली सुबह दोपहर शाम गर्म पानी में घोल लें और आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट है। दिन में 3 बार इसका भी सेवन करें। तो ये तीनों दवाएं दिन में 3 बार आप लेना शुरू करें, जैसे ही आपको आराम हो आप इसकी फ्रिक्वेंसी मात्र सुबह शाम कर दीजिए लेना, जब आपको आराम हो जाए। आप चाहें तो दिन में 1 बार भी लेकर अपने ये सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस को रिलीव कर सकते हैं या आराम पा सकते हैं। क्वेश्चन आता है, क्या ये बीमारी क्योर हो सकती है? जी हाँ, अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गई है और आप दवा के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, तो देखेंगे आपकी जो बीमारी है लगभग 99.99% क्योर हो जाती है अगर अर्ली डायग्नोस हो गया, और आपको किसी भी तरह की एलोपैथिक दवा नहीं लेनी पड़ेगी। यही तीन दवाएं आपको सेव करेंगी। चक्कर बहुत आ रहा है, तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, कोनियम, थ्रीडियोन या जलसीमियम में से जो इंडिकेटेड दवा लगे आप उसका सेवन कर सकते हैं। नेक दोस्तों बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, स्टैटिक नेक एक्सरसाइज, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको सीधे स्ट्रेट बैठ जाना है, 5-10 मिनट सुबह ये एक्सरसाइज करिए और शाम में ये एक्सरसाइज करिए, मैक्सिमम केसेस में आपको आराम मिल जाएगा। अपने हाथ को, अपने सर को इस तरफ पुल करना है, अपोजिट डायरेक्शन, अपने हाथ की अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है और इस हाथ से आपको अपने हेड को सपोर्ट करना है। मन में 10 तक काउंट करिए, 1, 2, 3 लाइक दैट। तो 10 तक काउंट करेंगे, फिर उसके बाद इस हाथ को हटाएंगे, फिर आगे इस हाथ को रख लेंगे, फिर अपने हेड को इस डायरेक्शन में आप ढकेलेंगे और इस हाथ से इसको रोकेंगे, फिर इसी तरह इसको आगे की तरफ रिपीट करना है, अपने सर को इस तरफ ढकेलना और इस हाथ से रोकना है सर को, फिर पीछे की तरफ, फिर नीचे की तरफ। दोस्तों कोशिश ये करनी कि हेड जो है वो बेंड ना हो, जैसे अगर आप इस तरह से होल्ड कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं अपने सर को, ऐसे नहीं करना है, इस तरह कर रहे हैं तो ऐसे नहीं करना, सीधे स्ट्रेट एक पोजीशन होनी चाहिए। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये कि जो हमारी बैक की जो हड्डियों का अलाइनमेंट है, उस अलाइनमेंट को प्रॉपर किया जाए। यही काम आप देखेंगे जो बेल्ट दे दी जाती है पहनने के लिए, उसका काम भी यही है कि जो हड्डी का अलाइनमेंट है वो एकदम सीधा रहे, आपका मोशन न्यूनतम हो, जिससे कि हड्डी का अलाइनमेंट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। तो सुबह शाम 5 मिनट ये एक्सरसाइज करें और इन दवाओं का सेवन करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।